बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार स्वच्छता को लेकर सशक्त है। ऐसे में स्वच्छता को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर मेहनत कर रही है। वहीं इसका असर साफ तौर पर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। मामला सिद्धार्थनगर जिले का नगर पंचायत शोहरतगढ़ का है, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता कसौधन एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र से स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए हरी झंडी दिखाकर कूड़ेदान को इधर से उधर करने वाले ई रिक्शा को रवाना किया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता ने बताया कि नगर को स्वच्छ रखने के लिए कूड़े की ढुलाई के लिए 5 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ई रिक्शा घर घर जाकर नगर को स्वच्छ बनाए रखने की अहम रोल अदा करेंगे। वहीं क्षेत्र वासियों में डोर टू डोर जाकर 2800 कूड़ा पात्र दर प्रति नगर में प्रत्येक घर में वितरण किया गया। सौरभ गुप्ता ने बताया कि हम नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पूरी तत्परता से लगे हैं और नगर वासियों को अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग करें। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। नगर में कूड़ा पात्र और ई रिक्शा कूड़ादान आया है, किस उपयोग में लिया जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 5 अदद ई रिक्शा उपलब्ध कराया गया है, जिसका एक प्रति लागत लगभग 3.25 लाख रुपये लागत से उपलब्ध कराया गया है। वह डोर टू डोर कलेक्शन हेतु नगर वासियों को डस्टबिन अनुमानित लागत लगभग 145 रुपया के प्रति सेट सहित मंगाया गया, जो नगरवासियों में उपलब्ध कराया गया।